खबर अलवर से है, जहां पर सिंघानिया मिल के तेल का सैंपल फेल हो चुका है और कलेक्टर के निर्देश पर ये सैंपल लिए गए थे। और पतंजलि को तेल सप्लाई ये कंपनी करती है। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत अब फिलहाल आगे की कार्रवाई की जाएगी। सैंपल अपने लैब की जो अपने जो स्टैंडर्ड है, निर्धारित स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होना ही अपने आप में फैलकाव होता है। जो सब स्टैंडर्ड है, मिस ब्रांडेड है, ये सारे उसमें प्रोटोकॉल हैं, उसके आधार पर उनका जांच हुई है। कितने सैंपल फेल पाए गए? 5 सैंपल लिए थे, पाँचों में कहीं कहीं मिस ब्रांड और सब स्टैंडर्ड की। आगे क्या किस तरह की कार्रवाई होगी? ये सरकार के जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसमें प्रावधान है, जहाँ से भी सैंपल कलेक्टेड होते हैं, 4 सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, 1 सैंपल की जांच होती है, 3 रिजर्व रहते हैं, उनमें से फिर आवश्यकता होने पर रेफरल लैब में भी कैंडिडेट के रिक्वेस्ट पर उन्हीं की फीस निर्धारित जो शुल्क है वो लेकर आगे जांच करवाई जा सकती है। ज़रूरत पड़ने पर भी कोर्ट में अपील होने के बाद में भी और उसको सैंपल को रिजर्व करा जाता है। यदि आवश्यकता है पुनः भी जाँच कराते हैं। ऐसे ये प्रकरण है, फाइनली कोर्ट में ही जाँचों के आधार पर इसमें डिसीजन होना।